Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shemaroo Movies. निकल तूने क्या ऊपर? उठ जाओ गुरु, उठ जाओ। कल रात जिस लड़की के फेरे पड़े थे उसका तलाक हो चुका है। मिस्टर बैनर्जी और मिसेज बैनर्जी के बीच में दो बार वर्ल्ड वार हो चुका है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। आत्महत्या करना बहुत बड़ा पाप है। अरे भाई साहब, वो बेशरम आत्महत्या करेगा, अंदर सोया है वो। अगर तुम्हारे उठने से पहले वो लोग अंदर आ गए तो तुम्हें हमेशा के लिए इस दुनिया से ही उठा देंगे। उठ जाओ। ना दिक्कत करो, ना डिस्टर्ब करो, ना दिक्कत करो, ना डिस्टर्ब करो, मेहमान भाई सोएला है। ना दिक्कत करो, ना डिस्टर्ब करो, रे मेहमान भाई सोएला है। अरबों करोड़ों के, अरे पंख वाले घोड़ों के, अरबों करोड़ों के पंख वाले घोड़ों के सपने वपने में ये खोएला है। बंदा है टेंशन लेने का नहीं, यही इसका फंडा है। ना काम है ना धंधा है, मजे में ये बंदा है, टेंशन लेने का नहीं, यही इसका फंडा है। लवर गया लव करने, काल गई घास चरने, अरे लवर गया लव करने, काल गई घास चरने, आलस का कीड़ा फसेला है। ये ना दिक्कत करो, ना डिस्टर्ब करो, मेहमान भाई सोएला है। ना दिक्कत
दिक्कत करो ना डिस्टर्ब करो, मेहमान भाई सोएला है। उल्लू की दुम, तुझे शर्म नहीं आती? तूने कपड़े नहीं पहने, लोग क्या कहेंगे कि चंदर टेलर जो पूरे शहर के नंगों कपड़े सिलता है उसका असिस्टेंट नंगा? गुरु मैं तो कम से कम चड्डी में हूँ, तुम अपनी देखो। हाँ देखो देखो। अरे यार मेरे कपड़े कहाँ गए? जमावस है ना, इसलिए मेरे कपड़े चले गए। अमवास तो तुम्हारे लिए थी, लेकिन मेरे कपड़े क्यों चले गए? तू अमावस का चमत्कार समझता नहीं है। अमावस तेरे लिए भी थी, तभी तो तेरी चड्डी बच गई। चल तू हट। अरे रुक रुक, टीवी साला आंखें फूट गई का तुम्हारी? अरे जीवा भैया, हमारी किस्मत फूट गया है। क्या हुआ? अरे जिस औरत के पास कपड़े बेचने जाऊं, या तो थप्पड़ मारे है या फिर गाली देवे है। क्यों? क्योंकि औरतें कपड़े सिलवाने के लिए शहर जाना नहीं चाहती, और अपनी कॉलोनी का लेडीज टेलर चंदरलाल सी नंबर वन है। वो कपड़ों सी तो दाई, मारो कपड़ों बिक तो नहीं। ओ साला, हमरा होते कॉलोनी की महिलाओं को तकलीफ हो, ये तो बढ़िया बात नहीं है। वही तो। साला तू एक काम कर, उस चंदर को जाके बोल अगर जीवा भैया की बात नहीं ना मानी तो 2 महीने में जनार्दन भैया आने वाले हैं, फिर उसके बाद उसकी दशा वो भीगा कुत्ता की तरह हो जाएगा। बेटा चंदर, अब तो थारे को काम करना ही पड़ेगा। क्या हो गया तुझे? मेरे पास क्यों नहीं आती? आना आना। ओ बावले पंडित, चंदर क्या कर रहे हो? खुद अंदर जाओ और देख लो। चल तू भी चल। अरे मैं, अरे रुको, कहा क्या? अब मजाक मत कर, बहुत हो गया। अरे ये किससे बातें कर रही हो? छिपकली से। छिपकली? देख मैंने तेरे लिए सारे शास्त्र खंगाल डाले हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर तू मेरे दाएं बाजू पर गिरकर मुझे दौलतमंद बना गई थी, तुझे कभी कीड़े मकोड़े नहीं खाने पड़ेंगे। तुझे मैं लखनऊ का कबाब खिलाऊंगा, कबाब। और अगर तू मेरे माथे पर गिरकर ताज पहना देगी तो मैं तुझे कलकत्ते का रसगुल्ला खिलाऊंगा, रसगुल्ला। और अगर मुंह में गिर गियो तो मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा। अरे नाराज क्यों हो गए हमारे बाप? हमारी बात सुन। देख इस कॉलोनी में तू अकेला लेडीज टेलर है, तू कपड़े सिएगा नहीं, लोग कपड़े पहनेंगे नहीं, लोग कपड़े पहनेंगे नहीं तो हमारा कपड़ा बिकेगा नहीं। अरे भाया, इसमें ना थारा भला है ना हमारा भला। सुन तू ये शास्त्र वास्त्र को छोड़ और कपड़े सिल। तू एक बात बता एफटीबी, तेरे पास टीवी नहीं है, और टीवी सोच ले उधर रखा हुआ है, और तेरे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है, और तू यहां बैठे बैठे टीवी ऑन करके दिखा। अरे पागल हो गए के? बिना रिमोट का बटन दबा टीवी ऑन कैसे होगा? अरे यही तो है किस्मत का बटन। अगर जिस दिन किस्मत का रिमोट बटन मिल गया ना, तो सीधे अमिताभ बच्चन, टाटा, बिल्ला, अंबानी सब कुछ बन के दिखाऊंगा। और जो नहीं ढूंढ पाया वो तुम, ये और बाहर बैठा साला मोची, तीनों धरती के ऊपर बोझ, और फटने के लिए मेरा सर।
और गुरु तुम? अरे मैं तो देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला हूँ। अरे मेरे चांदनी के चांद, अबे देश की इकोनॉमी को छोड़ भाया, अपने और हमारे पेट की इकोनॉमी के बारे में सोच। अबे कपड़े नहीं सिएगा तो कैसे काम चलेगा? शास्त्रों के चक्कर को छोड़ और कर्म में विश्वास कर। अजगर करे नचा करी, गुरु आगे। पंछी करे नका, गुरु आगे। दास मलूका कहे गए, गुरु आगे। सबके तातारा, समझे बेवकूफ? शर्म आ रही तेरे को? कुत्ते की तुम 12 साल नली में रखो फिर भी टेढ़ी की टेढ़ी, ये है वो। अच्छा, मुझे आज ये कहावत पता चली, नहीं तो नलकी में दुम डालने की गलती तू कभी नहीं करता। देखा, फिर भूल गयो अपनी औकात। अगड़म बगड़म बम बम बम। कौन गाली दे रहा है यार? गाली नहीं, मैं तेरी किस्मत का ताला खोलने आया। कहाँ है किस्मत? वो तो मेरी दिव्य दृष्टि से दिखाई देगी। अरे महाराज, आपकी दिव्य दृष्टि तो बहुत कमजोर लग रही है। मुझे तो तेरे नक्षत्र कमजोर लग रहे हैं। शनि सर पे मंडरा रहा है, राहु केतु कुंडली मार के बैठे हैं। तेरे जीवन पे तो ग्रहण लग चुका है। 12 साल बहुत तकलीफ में बीतेंगे। और बाद में? बाद में तुझे आदत पड़ जाएगी। कैसे? तकलीफ नहीं होगी तो तकलीफ होगी। महाराज ये सब आपको कैसे पता? ले बेटा ये देख ले। ये क्या है? हाँ देखना। सचिन तेंदुलकर? हाँ, बाजू में मैं। अमिताभ बच्चन? बाजू में मैं हूँ। बिल गेट्स? बाजू में मैं। इंदिरा गांधी? बाजू में मैं। महात्मा गांधी? बाजू में मैं। महाराज, हाँ जी। कैंची उठा के और मशीन चला चला के मैं उकता चुका हूँ। आप कोई आसान तरीका बताइए जिससे मैं माला माल बन जाऊँ। महाराज, तेरी हस्त की रेखाएं मैं देखता हूँ। जी। तेरी भाग्य की रेखा तो सीधी है जी, लेकिन कर्म की रेखा टेढ़ी है। महाराज पाइप में डाल के है, थोड़ा बहुत थोड़ा मार्ग सीधी नहीं की जा सकती तो हाथ टेढ़ा हो जाएगा। तू माला माल बन सकता है जी, लेकिन एक समस्या है। समस्या? बालक तेरी कुंडली में मंगली दोष है। 45 साल के बाद शादी करेगा तो ये सब दोष निकल जाएंगे। महाराज मंगली दोष तो खत्म हो जाएंगे, पर तब तक दूसरे दोष शुरू हो जाएंगे, उनका क्या? ऐसे सब कामों के लिए तो ज्योतिषियों का जन्म होता है बेटे। सिर्फ 500 रुपया दे दे और बाद में देख सब मंगल मंगल मंगल। 500? इससे काम चला लीजिए। ये तू ही रख ले, 12 साल तकलीफ भुगतेगा। महाराज तब तकलीफ मत दो, ये आप इसमें आप कर लीजिए, रख ले 6 साल तक। अरे नहीं नहीं महाराज, बैठिए बैठिए बैठिए। महाराज कोई दूसरा उपाय? कुछ नहीं, 500 रुपया। क्या देख रहे हो? नोट का भविष्य देखना पड़ता है। अभी अभी इलेक्शन जो हुए हैं। बालक तू शादी कर ले, शादी करने से तेरी किस्मत चमकेगी। अच्छा? हाँ, तू राजा बनेगा। राजा? महाराजा बनेगा। राजाधिराज एलरे आजम चंदर सेन पधार रहे हैं। पर लड़की कैसी हो? कैसी हो? जिसकी दाई जांग पर तिल हो, ऐसी लड़की तू ढूंढ। मार खा? नहीं नहीं, माल खा माल। अब पर महाराज मेरी कॉलोनी में तो बहुत सी लड़कियां हैं, तो उनमें तिल वाली लड़की को कैसे ढूंढूं? बहुत सरल है बालक, दुनिया में 5 जाति की लड़कियां होती हैं। हस्तिनी, शंकिनी, चित्तिनी, मोहिनी और पद्मी। ये लड़कियों की जाति क्या होती है महाराज? बताता हूँ बालक, बताता हूँ। इतने उतावले मत हो। ये बिपाशा मल्लिका और सलीना को देखकर क्या लगता है? इन्हें देखकर तो दिल बाग बाग हो जाता है महाराज। अब ये बता, माधुरी जूही और ऐश्वर्या को देखकर क्या लगता है? इन्हें देखकर तो शादी करने का मन करता है महाराज। यही तो पद्मिनी जाति की लड़कियां है। पर बाकी की जाति क्या होती है महाराज? तुझे क्या करना है बालक, ऐसी लड़की तू ढूंढ और उसके साथ तू शादी कर। हाँ। पर शर्त यह है कि उसकी दाई जांग पर तिल होना चाहिए। तिल?
धन्यवाद महाराज, आशीर्वाद, धन्यवाद महाराज, आशीर्वाद, महाराजा भगवान, धन्यवाद महाराज, आशीर्वाद। भविष्य देखकर मुद्रा कमाए, चलो किसी और का कल्याण करे। भयो मारी राम प्यारी को ऐसो चमका दे, ऐसो चमका दे, ऐसो चमका दे कि अरे ब्रेक तो छोड़ दो। चमकेगी तो अब मेरी किस्मत। एफटीबी तू ये खटारा भंगार में बेचकर सोने की खटारा खरीदने की तैयारी कर, मेरा राजयोग शुरू हो रहा है अब। दिन में सपनों देख क्यों है? नहीं, सपना नहीं, सच। एक महान ज्योतिषी ने कहा है कि अगर मेरी शादी पद्मिनी जाति की लड़की से होगी तो मैं राजा बनूंगा, कुबेर भी मेरी दौलत को देखकर चलेगा। गुरु तुम राजा तो मैं प्रधानमंत्री। और भाई मैं तू 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 सेनापति। पर मैंने कपड़ा बेचने को तो मिलेगा ना। क्या बात हो गई, कर दी ना छोटी बात, इसको आधा राज भी देंगे तो भी भीख मांगने लिए कटोरा आगे बढ़ाएगा। ठीक है भाई, आपको नहीं बोलू मैं, पर ते भी एक छोटी सी बात कर दे, जल्दी से शादी कर डाल। अरे शादी तो कर डालू, पर एक प्रॉब्लम है। क्या? पद्मिनी जाति की लड़की को ढूंढू कहाँ, वो भी ऐसी जिसकी दाई जांग पर तिल हो। अरे अरे बाबले पंडित, पगला गयो है, पगला गयो है ये, लड़की की जांग पर तिल ढूंढने की सोचे। अरे गुरु वो जनार्दन भाई याद है ना, पता है ना वो जेल क्यों गया है? जनार्दन भाई? हाँ। चलो भाई, माने नहीं ना हमारी बात, चलो मुझे भाई। अब देखो, माफ कर दो, देखो भैया का इंसान। भीमा भाई, औरतों की इज्जत के साथ जो लोग खिलवाड़ करते हैं उनके साथ जनार्दन भाई क्या सलूक करता है जानते हो? जनार्दन भाई मुझे माफ कर दो। देखिए भीमा भाई, मैं आज भी आर्मी के सिद्धांत पर चलता हूँ, अगर आज आपको माफ कर दिया तो कल आप जैसे 10 और भीमा यही काम कर गुजरे, और ये जनार्दन भाई के सिद्धांत इससे गौरा नहीं करें। जीवा जी, मुझे माफ कर दो जनार्दन भाई, माफ कर दो, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जनार्दन भाई, माफ कर दो, गलती हो गई। क्या हुआ गुरु? अरे वो ज्योतिषी तो ये पूछना तो भूल ही गया कि जनार्दन भाई का राम नाम कब सत्य होगा। तू डर मत भाइयो, जनार्दन भाई को जेल से छूट कर आने में अभी वक्त है। पर वो जीवा? ओहो, बड़े आदमियों के आँख कान हुए हैं उनके चमचे, और जनार्दन भाई का चमचो है जीवा, जो हमारे साथ तीसरी कक्षा में चौथे बेंच में 5 साल तक पढ़े हुए, उसको तो मैं संभाल लूंगा। हाँ हाँ, लेकिन तिल ढूंढने के चक्कर में औरतें चप्पलों से तो नहीं मारेंगी ना? अरे अरे एक काम कर, इस पगली के लिए बड़ी ओसा ड्रेस से ये पहन के घूमेगी तो कॉलोनी में थारी पब्लिसिटी हो जाएगी। हाँ बस, फिर क्या गुरु, कॉलोनी की सारी लड़कियां हमारे पास, और उनमें से किसकी दाई जांघ में दिल है, मतलब दिल है, वो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। और जो ग्राहक थारे पास कपड़े सिलवाने के लिए आएंगे वो कपड़े खरीदेंगे किससे? किससे? मारे से। इस तरह थारो भी बलो हो जाएगा और मारो भी बलो हो जाएगा। चलो चलो ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पक्का? आज से तिल ही हम तीनों का रिमोट बटन है। गौरी का नया ड्रेस बहुत अच्छा है। एक और इधर आ, मेरा ये ड्रेस ना बड़ा सुंदर, और जिसने इसे सिया है ना उसका नाम है चंदर चंदर चंदर। दिल वाली
दिलवाली 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 मिलाते दिलवाली 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 मिलाते दिलवाली 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 मिलाते दिलवाली 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 मिलाते। अरे क्या दिलवाली दिलवाली लगा रखा है? वो हमारे गुरु को ज्योतिषी ने कहा था कि गली गली में फिरते हैं हम तीन बेचारे, गली गली में फिरते हैं हम तीन बेचारे, कर दे बेड़ा पार जो वो सोनी कहाँ रे। रब्बा मेरे रब्बा दिल वाली मिला दे, रब्बा मेरे रब्बा दिल वाली मिला दे, दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली मिला दे, दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली मिला दे। शादी अपनी किस्मत चमक उठेगी, दीवाना ये दिल ढूंढे बस एक दिल, जिसकी झलक पाने की खातिर हो गए हम मतवारे। दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली मिला दे, दिल वाली दिल वाली दिल वाली दिल वाली मिला दे। कौन बटन खोल रहा था, मुझे तीन तीन मिल गए। फ्लोरा नाम से ही कितनी सुगंध आ रही है। के कर रहे हो है? फ्लोरा ना है, फ्लोरा फाउंटेन है, अमिताभ बच्चन की फैन। गुरु वो दूसरी किस्मत वाली कौन है? अरे यार बंगाल की मिष्ठी दोई गायत्री। केड़ा गर्क, वो बनर्जी की छोरी? हाँ। अरे भाई तू तो गयो काम से, उसका बाप जुआरी है। जस्सी की कोई फैमिली नहीं है, वहीं अपन बैठेंगे। ये तो बहुत अच्छा है। ना 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 कुछ अच्छा ना है, पंजाब की कुड़ी बड़ी मुचड़ी, योगा कराए बिना किसी को नहीं छटती। ऐसे हाँ। बॉडी को रिलैक्स छोड़ो। आंखें बंद करो, सांस अंदर और बाहर छोड़ो, फिर से। फिर से।
अरे बावले पंडित, कहीं हमेशा के लिए सांस ना छूट जाए। वेरी गुड, अब चलो। जितने भी आसन मैंने तुम्हें करके दिखाए उनमें से कोई आसन मुझे करके दिखाओ। अरे मारे को तो एक ही आसन पसंद है, शवासन। देख जैसी बहन, मैं थारे कहने पे पिछले 4 घंटे से आसन कर रही हूँ, अब थे भी मारे कहने पे चंदन से एक ड्रेस सिलवा लो। अरे चंदन मारी कॉलोनी का सबसे बेस्ट टेलर है, थे उसके हाथ की सिली सलवार कमीज पहनेगी तो सारी पब्लिक थारे को देखती रह जाएगी। पर... अरे पार वार कहना, थारी ड्रेस के लिए कपड़ा दूंगा मैं, एकदम बढ़िया क्वालिटी का फैशनेबल कपड़े बेचूं, तभी हमारा नाम एफटीवी पड़े है। फतेह चंद तारा चंद विलैतिया। चंदन तुसी ग्रेट हो, इतना सोना सूट। अरे मैं तो सिर्फ ग्रेट हूँ, तुम तो लस्सी, मेरा मतलब जस्सी जैसी कोई नहीं। तुसी तो मैंने निहाल कर दिता। तुम मुझे तिल दिखा दो, मैं निहाल हो जाऊंगा। अरे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। बस इन्हीं सी गल ते ठीक है, तुसी आ जाओ कर खाना खाने। आ जाएंगे। प्यारे नहीं आ सकता इसका उपवास है। मेरे उपवास कब से गुरु? अरे मूर्ख आदमी तू चुप रह, भूल जाता है। वो तो अच्छा मेरी याददाश्त ठीक है, 12 महीने हो गए तुझे उपवास करते हुए। सॉरी भूल जाता है बेचारा बच्चा, अब यही केले वेले खाना ना, तुम बैठ कुछ बात करता है। कोई गल नहीं, ते फिर तुसी दोनों ही आ जाओ। तुसी दोनों कौन? तुसी तो हम 3 हो जाएंगे ना। अब 3? हाँ 1 2 3। और तुम्हारी तो मोपेट खराब थी, वो धुआं छोड़ती है, पूरा मोहल्ला बीमार पड़ रहा है, तुम उसको बनवाओ ना जाके। हम ही आ जाएंगे। कर रही है ये भगवान, आज बात बन जाए। चंदर तुसी ठीक टाइम पे आए हो। तुम्हें कोई ऐसा कपड़े उतार आसन आता है जिससे तिल दिख जाए? क्या तुम्हें शीर्षासन लगाना आता है? शीर्षासन? अभी बता। आजा आजा, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, बहुत अच्छा करती हो। हाथ जो है चलो ऐसे 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 ऊपर, ऐसे ऐसे ऐसे। प्रॉब्लम, पैजामा नीचे नहीं आ रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अच्छा नीचे आ जाओ, पैजामा सालिन काम बिगाड़ दिया। चलो खाना खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, खाना बना क्या खाएंगे, शीर्षासन देख के मेरा दिल भाग भाग हो गया। एक बात कहूं? हाँ। ये शर्म आ रही है, तुम्हारे लिए तोहफा। मेरे लिए? हाय रब्बा कितना सोना है, एनु मैं पावांगी? इसे पहन के एलिजाबेथ टेलर लगूंगी। एलिजाबेथ टेलर? हाँ हाँ, वही जिसने ये गाउन पहनकर एक टेलर से शादी की थी, तभी से उसका नाम एलिजाबेथ टेलर पड़ा ना। तो मैं पावा? हाँ हाँ पहनो ना। अरे लाओ मैं पहना दूं। हट बेशरम। अरे शर्म काहे थी। मैं पाके आंधिया। ये पहनो, मजा आएगा। हम तुम दो, ये कमरे मंद हो, चाबी खो जाए। बेशरम कहेंगे। जल्दी से आना, आज तो मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी कसम से। कैसी लग रही हूँ मैं? क्या दसूं, कुछ दिखता ही नहीं है। क्या मैं एलिजाबेथ टेलर नहीं लग रही हूँ? तुम एलिजाबेथ लग रही हो, टेलर तो मैं हूँ। अच्छा तुम ऐसे खड़ी रहना, मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ओके। नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, तुम रुको तो एक बार जी, तुम नहीं होगा। तबीयत खराब हो रही है, मैं आ रहा। खाना तो खा के जाओ। क्या गुरु बहुत परेशान दिख रहे हो, तिल विल मिला क्या? अरे क्या मिला, नीचे से ऊपर तक तो कपड़े पहने हुए थे। क्या बात है गुरु, मुझे क्यों नहीं लगेंगे, मुझे लेके जाते सब कुछ मिल जाता। अरे तुम तो झंडे गाड़ देते। अरे क्या झंडे गाड़ने की बात कर रहे हो गुरु, तुम सबकी मनोकामना पूरी करना।
गुरु कल तुमने कोशिश की, अब तुम मेरा स्टाइल देखो। अरे बाप रे, शादी करने के लिए लड़कियां क्या क्या मन्नतें मांगती हैं। डियर लेडीज अटेंशन प्लीज, आप लोग शादी करना चाहती हैं? हाँ। लेकिन एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। क्या? वो आप में से जिस किसी के पास भी दाई जांघ में तिल हो तो दिखा दो, हमारा गुरु शादी करना चाहता है। लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? शर्म आती है लेकिन टाटा करके चली जाती है। तिल दिखा दो ना जल्दी। करेक्ट जा रहा है, करेक्ट जा रहा है। दिखा दो, दिखा दो, दिखा दो, दिखाओ। अरे मार क्यों रहे हैं? बहुत बड़े हीरो बन के आए थे ना, निकल गया तुम्हारा सब स्टाइल। बहुत अच्छा किया अधमरा छोड़ दिया तुम्हें, मारी देते तो अच्छा रहता, साले मेरी खोपड़ी बोझ बनोगे अब। गुरु ए, बड़े हीरो बनने अगर तिल नहीं था तो बता देते मारा क्यों। तो चुप रहे, तेरी हड्डियां बट्टियां साबित छोड़ दी, ये बहुत बड़ी बात है। चंदर अरे क्या हुआ? अरे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज कब? ये कुछ नहीं मालूम, तू चुप रहे। संगम थिएटर में फिल्म देखने गया था ये। संगम थिएटर में? वहाँ तो अमित जी की पिक्चर लगी है ना। उसका एक टिकट मिलेगा प्लीज? थिएटर इसके पहले टेप लगा दो, टेप लगा दो। क्या हो गया ना, सर में बहुत ज्यादा चोट लगी है इसलिए मुंह फ्री हो गया है, तो बहुत ज्यादा बोलने लगा है। ज्यादा मार लगी है। चिपका दो पूरे मुंह पर। ये तो अपना मुंह बंद कर, ज्यादा बोल मत। हाँ लेट जा, लेट जा। ये है ना अपना प्यारे अमित जी की ब्लैक पिक्चर देखने गया, पिक्चर छोड़कर और टिकट ब्लैक करने लगा, बाद में पुलिस ने धो डाला। मुझे तो लगता है इन्हें औरतों ने मारा है। देखो 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 देखा डॉक्टर फ्लोरा का जजमेंट, उन्होंने भी पहचान लिया कि तुझे औरतों ने धोया है। क्या हुआ, औरतें अमित जी की ब्लैक पिक्चर देखने आईं, ये मूर्ख आदमी औरतों को ही ब्लैक करने लगा। तब तो इसे और मारना चाहिए था। क्या है ना, ये अपना प्यारा शागिर्द है, बहुत गरीब आदमी है, बहुत मारा औरतों ने, और मैं फोन करूंगा अमित जी को, अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो उनके कपड़े सीना बंद। चंदर मुझे अमित जी से मिलवाओ ना, ये मेरे ड्रीम बॉय है। ड्रीम बॉय? लाइव बॉय तो सुना था, ड्रीम बॉय क्या होता है? चंदर मुझे मिलवाओ ना अमित जी से। हाँ, मिलवाऊंगा, प्लीज मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें तिल दिखाना पड़ेगा। तिल? हाँ, मेरी किस्मत का तिल, अगर वो तुम्हारे पास मिल गया तो मैं राजा बन जाऊंगा, राजा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊं? ये टूटे तो चुपचाप लेटा रहे। मैं समझाता हूँ तुम्हें, कान लाओ। अगर तुम्हारी दाहिनी जान पे मुझे तिल मिल गया तो हम शादी कर लेंगे। आज तो फ्लोरा को पटाक के तिल देख ही लेता, लेकिन साला जीवा बीच में आ गया, नहीं तो बात बनी गई थी। कैंची तो तुमसे चलती नहीं, जबानी चलानी पड़ेगी ना। टूटे जवान है तो चलेगी ही नो। अरे जो भी हो गुरु, तुम फेंकने में बहुत उस्ताद हो। तो लो तुम्हें फेंक ही देता हूँ। अरे बादशाह तू ही एई जो कट के ओम दुर्गा माताय नमः, ओम दुर्गा माताय नमः, ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके माता जय 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 ओम दुर्गाय नमः। बस बस ठीक ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, ओम दुर्गाय नमः। चलो गुलाम उठो। गायत्री गायत्री सुख शांतिला माता आशीर्वाद दीजिए। गायत्री सुख शांतिला, लो बेटा आरती लो। चलो उठो, ताकत नहीं है। जय दुर्गा माँ, घर में सुख शांतिला। गायत्री के लिए लो बेटा आरती लो। गायत्री के लिए बिना दहेज वाला पतीला आमी ताज दिए दिलाम किंतु हैं एही तुम्हारे गायत्री लक्ष्मी माँ। अरे चलो तुम ही आ। सरस्वती नमः, दुर्गा माता नमः, ओम दुर्गा माता नमः, ओम सर्व मंगल मंगल शिवे सर्वार्थ साधिके। जाओ 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 आराम।
अपनी शक्ल तो देखो। तुम्हारी माँ ने आरती दे दे पूरा मुंह काला कर दिया, जिधर दे दो आरती ले लो आरती ले लो। सोती है कि नहीं सोती है? पूरे दिन आरती देती है। चलो तो मन मुंह धुलवा देती हूँ। कोई रिश्तेदार आते हैं तुम्हारे घर में? नहीं, एक बार आता होगा, 500 साल तक नहीं आता होगा। बसो चल साबुन लाओ। लो साबुन लो। भालो करे। हाँ, कान के पास। हाँ हाँ जल लो, जल जल। पानी लाओ, पानी लाओ। टॉवल दे दो, टॉवल तो दे दो, टॉवल तो दे दो, तिल दे दो, तिल, टॉवल, टॉवल, टॉवल दे दो, थोड़ा 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 टॉवल सामने तो आने दो ना। साड़ी छोड़ तौलिया ले। ओए बाबा, ए बच्चा, हमार 100 रुपया। देखो कैसा हाथी की तरह सोया हुआ है, खर्राटे ले रहा है। नहीं, खड़ा रहे, हिल्ला मत। अरे बावले पंडित, अरे भाया, मन्ने क्यों मार रहे हो है? अगर तू यहाँ सोएगा तो ये मरीज कहाँ सोएगा? अरे प्यारी, हाँ यही सोएगा। पागल जिन, चंद चंद मेरी चूड़ी सिक्के दो ना। क्या चूड़ी सिक्के दूँ? हाँ, ये टूटे सिलवा ले, ये सिलके देगा चूड़ी तुझे। चूड़ी सिलवाने वाली है। तेरे तेरे मेरी चूड़ी सिक्के दो ना, मेरी चूड़ी देखो ना टूट गई। इसको भगा देने, अधमरे को मार डालेगी, पूरा मार डालेगी, पूरा मार डालेगी। गुरु, लगता है आज मेरे लिए अमावस थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं था बेटा, तू सो जा, तू आराम कर ले, तू ठीक हो जाएगा। करे तो क्या करे, साले दुश्मन बीच में आ जाते हैं जिनका कुछ समझ में नहीं आता है। अरे पर हुआ के? अरे हुआ के, तुम्हारा जीवा दोस्त है ना जो बार बार मेरे रास्ते में आ जाता है, इसका तुम कुछ करो, नहीं तो हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। ओहो यार, ये बार बार कॉन्ट्रैक्ट को बीच में क्यों लावे है? कोई और भी तो रास्ता हो सके है। क्या रास्ता हो सके है? हर रास्ते में तो जीवा और जनार्दन मुंह फैलाए खड़े रहते हैं। ना ना ना, जनार्दन भाई ऐसे ना है, वो तो धर्मराज है। धर्मराज नहीं है वो, हेमराज है वो। तू तो अच्छी तरह से जाने है, जनार्दन भाई पहले ऐसे ना थे। उनकी बहन के साथ किसी ने छल किया, बेचारी सदमा बर्दाश्त न कर सकी और मर गई। और गौरी को बड़ी बहन से इतना लगाव था कि वो पागल हो गई बेचारी। बस तब से नारी की इज्जत से खेलने वालों के हाथ पांव जो है, हाथ पांव काट देते हैं। हाँ, वही ना। गुरु, आप लोग चिंता मत करना, मैं हूँ ना। कल वैसे भी सुई धागा लाने के लिए मैं शहर जा ही रहा हूँ। वहाँ से वापस आते हुए मैं ऐसी चीज लेके आऊंगा, ऐसी चीज लेके आऊंगा। MKP, मूर्तियों का फोटोग्राफर। ये मरने वाले आप लोग की कौन है? हमारी माँ है। तुम्हारी माँ है? अबे तो हार तेरे हाथ में क्यों है? मम्मी के गले में डालना। एक मिनट, स्माइल प्लीज। ए इडियट, मैं मूर्ति को बोल रहा हूँ, स्माइल। ओके ओके, मेरी फीस 50 रुपए। ये लो। थैंक यू। बाकी के 50 तो वापस दो। अरे बाकी के 50 एडवांस। किस बात के? तू मरेगा नहीं क्या? क्या कमाल के आदमी हो यार, एक काम करना है। ए भाई, मैं जिंदा लोग के नहीं है, खाली मुर्दा लोग के फोटो लेता है। कैमरा देख रहा है, 200 साल पुराना, इसमें जिंदा लोग अंदर आता ही नहीं है। वो सब मैं समझाता हूँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हड्डी की दुकान, तू कोकचे में ले जाके मेरे को मारेगा क्या? नहीं मारूंगा नहीं। I love your work. Thank you. हाँ, मैं तेरे को काम दूंगा। मैं काम नहीं करता हूँ, लेकिन काम को पैसा भी दूंगा। फिर मैं करता हूँ। हाँ, फोटो निकालना है, फोटो। तेरे को मालूम है मैं खाली मुर्दा लोग के फोटो लेता हूँ। लेकिन तू सिर्फ मुर्दा लोगों का फोटो क्यों निकालता है? क्योंकि मुर्दे भावताल नहीं करते। मैं भी भावताल नहीं करूंगा, मैं 1000 रुपए दूंगा। एक साथ 20 जन टपकगे ले क्या? नहीं, कोई टपका नहीं है, वो लाइव ह्यूमन बीइंग का फोटो निकालना है। एक फोटो निकालने के 1000 रुपए, ये लो एडवांस। थैंक यू,
तू खाली उंगली दिखा, मैं तेरे को फोटो दिखाता हूँ। डोंट वेस्ट माय टाइम। चलो चलो, ये लो हमारी कॉलोनी, आ जाओ आ जाओ। राइट राइट। कौन है? गुरु। ये आ गया, ये आ गया। आ गया। ओ आ गया, आ गया, आ गया। एमकेपी, ये एफटीवी है। नाइस टू मीट यू। जयराम जी की भाया, हम हाथ नहीं मिलाते। तो लात मिलाते हो? हाँ हाँ मिलाते। सॉरी सॉरी। गुरु, यही वो कमाल की चीज है। ये चीज है? ये तो बहुत बड़ी नाचीज है। थू, थू। अरे किस लाश उठा के लाया तू? लाश किधर है लाश? अरे रे रे, रुक भाया, यहाँ पे कोई लाश नहीं है थारी सिवा। मैं लाश नहीं हूँ, मैं तो इस हड्डी की दुकान की तलाश हूँ यार। मैं एमकेपी, मुर्दों का फोटोग्राफर, पर फोटो 50 रुपीज, ओनली मुर्दास। अरे भाया, इसने तो बड़ी दूर की सोच ली। थे दिल के चक्कर में कभी न कभी तो मरेगा ही, तो फोटो खींचने वाला तो कोई चाहिए ना। मेरा राजयोग शुरू नहीं हुआ, तू मेरा लाश योग बनाने में तुला। ये बोनी का टाइम हो गया, ये असली का मारता है यार। हट 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 साले की। किसको ले आए तू? अरे यही चीज हमारे काम आएगा गुरु। अच्छा कैसे? अरे ये राय क्यों नहीं फूटा? उस पहलवान के सर पे तो फूटा था। एक नारियल क्या लगा, आ गए मरहम पट्टी करवाने को। मेरे अमित जी के सर पर तो 100-100 नारियल लगते हैं, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता। वो तो भगवान है भगवान। अरे तो भगवान के तो अनेकों रूप होते हैं। मेरे अमित जी के भी अनेकों रूप हैं। कालिया, डॉन, मर्द, शहंशाह, शराबी। अरे तो ये रूप दिए किसने? किसने दिए? मैंने। तुम? और मैं उन्हें यहाँ तक नहीं, मैं उन्हें एडवाइस भी देता हूँ। अच्छा, तुम उन्हें एडवाइस भी देते हो? अरे बिल्कुल एडवाइस देता हूँ। क्या? ये देता हूँ कि देखो कौन सी फिल्म साइन करनी है, कौन सी फिल्म साइन नहीं करनी है, किस प्रोड्यूसर से बात करनी है और किस प्रोड्यूसर को डेट देनी है। और यहाँ तक कि मैं उनके लिए तो नाई भी बन गया है। ये क्या फ्रेंच भी है? फिर ये किसने दी? मैंने। तुमने? सच्ची? सच्ची। तो क्या मैं झूठ बोलता हूँ? वो तो है, वो तो है। अरे अमित जी केबीसी के किसी सवाल में फंस जाते हैं, सीधा मुझे फोन करते हैं और मैं जब उन्हें जवाब देता हूँ तो सिर्फ हंसते हैं। अरे बुद्धू, अमित जी केबीसी पर सवाल पूछते हैं? अरे यार तुम ज्यादा सवाल मत पूछो, अमित जी को ज्यादा सवाल पूछने वाले पसंद नहीं है यहाँ। अच्छा तो उन्हें क्या पसंद है? उन्हें उन्हें मुझसे प्यार करने वाले ज्यादा पसंद है। तो मैं भी तुमसे प्यार करूंगी ना। सच्ची? सच्ची मुझी। अरे ये साड़ी तो फॉल ही नहीं है, कितनी अच्छी साड़ी है, देखो ना। बगैर फॉल साड़ी बहुत मैं पसंद करता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? कलर ना देखो ना, क्या कर रहे हो? ट्रांसपेरेंट हो तो और भी अच्छी लगती है, बहुत मजा आता है। अरे क्या हुआ चंद्र? चंद्र कहाँ जा रहे हो चंद्र? इसको ऊपर से पढ़ते हैं कि नीचे से पढ़ते हैं? इंग्लिश में अच्छी राइटिंग है। ओए चंद्र, तूने की सीध दिता है, देख सारे टाके खुल गए। टाके तो खुलने के लिए होते हैं। क्या वो एफटीवी है ना? हाँ। वो ऐसे फालतू कपड़े बेच के चला जाता है, खुद को फैशन टीवी कहलाता है। ही फालतू, तुम कपड़े उतार दो, मैं सिल देता हूँ। बेशरम। अरे इसमें शर्माने वाली क्या बात है, टेलर से कोई थोड़ी शर्माता है। हट 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 के भाई, बट मैं सुई धागा साथ में लेके चलता हूँ। ये देखो इधर ही तो है ना कहीं पर है? हाँ ये है, तुम जरा निकाल लो ना अच्छे से। हाँ, लाओ अभी सिल देता हूँ अच्छे से। क्या हुआ, चुभ गया क्या? गुदगुदी लगती है। अरे तुम्हारे मखमल जैसे शरीर पे खरोच भी आ जाए, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। चंदर, क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? मैं तुम्हें इतना नहीं, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें 180 डिग्री प्यार करता हूँ। काम करो ना। क्या? मुझे दिल दिखाओ ना। दिल देखना है? अरे खूबसूरती का रबर स्टैंप है, लोग खूबसूरती देख के हमेशा ऊपर से तारीफ करते हैं, मैं हमेशा नीचे से तारीफ करता हूँ। वो ही देखो। नहीं नहीं, मुझे जगह मालूम है कहाँ देखना है। अरे अरे सुई कहाँ चली गई? अरे 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 अरे, अरे सुई कहाँ चली गई? इधर इधर पैर ऊपर ही तो है।
नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। छगन लाल साला, ये सुई किसी गलत जगह घुसा दिया ना तो आ निकल जाएगा। चले चल पट। अरे प्यारे, अरे सारे कुत्ते कहाँ है प्यारे? अरे क्या हुआ एफटीबी सवेरे सवेरे इतने गुस्से में? प्यारे प्यारे क्या करोगे? प्यारे का प्यारे प्यारे क्या करूंगा, उसका अचार डालूंगा मैं। हाँ अबे थे तो यारी दोस्ती में भी कभी मारो कपड़ों सिलो नहीं है। थर चेले वो प्यारे को मैं पंचड़ बनाने के लिए कपड़ों दियो, भतीजी की शादी में जाने के लिए। देख साले ने क्या कर दियो, क्या कर दियो है? अरे अच्छा तो हुआ पैजामे खर्चा बच गया यार। देख देख मजाक मत कर, मारो खून खोल। तू यार दिमाग मत खराब कर, तू चल उतार उतार उतार, मैं सिल देता हूँ चल। और तू ऐसे नाराज मत हुआ करो, ऐसे कर रहे हो यार, अच्छा नहीं लगता तू ऐसे आता है गुस्से में। लाल भाया ये तो बता, थारी तिल ढूंढने की बात कटे तक पहुंची? अरे यार ये तिल के चक्कर में बिल्कुल घनचक्कर हो गया, और मुझे लगता है ना ये गायत्री जस्सी फ्लोरा तीनों के पास तिल है लेकिन दिखाती नहीं है। अरे ये लड़कियां कुछ दिखावे थोड़ी हैं, ये तो सब कुछ छुपा के रखे हैं। अरे कुछ पूछो तो हमें देखना पड़ेगा। अच्छा अगर तू 100 रुपये दे तो मैं थारे को एक आईडिया। अरे यार तू जब भी मुंह खोलता है हमेशा चारे की बात करता है। सोलो ये काश ये जांग पे तिल ना होके गाल पे होता तो अब तक मेरी शादी भी हो गई होती और मैं राजा भी बन गया होता। ले। अरे वाह, जेंट्स कपड़े सीने में मैं फेलियर हूँ, इसीलिए मैं लेडीज टेलर हूँ। आओ जमाई राजा आओ, बसो बसो, आरती माता। लगता है यही लड़की अच्छे ना, ये लड़की की माँ अच्छे। गायत्री, गायत्री बेटा है माँ अच्छी। गायत्री यही लड़की अच्छे, यही लड़की अच्छे। जितनी सुंदर माँ मुलगी भी उतनी सुंदर है। अम्मा का रिश्ता मंजूर अच्छे, पसंद अच्छे, मगर एक शर्त है। शर्त? हाँ एक शर्त, अम्मा केस की FIR लेना चाहता हूँ। FIR? खूबसूरत हो अमित, तुम्हारे भालो लगे कि नहीं? भालो लगे कि नहीं? जेल गई हो? जेल? हाँ जेल। जेल में तो चोर लुचक जाते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि तुम जेल गई हो कि नहीं? ना, हाँ, एक बार झंडा बंधन के लिए। झंडा बंधन के लिए तुम भी जेल जा चुकी हो? अब मेरा क्या होगा? ये शादी का इंसल, ये शादी का इंसल, ये शादी का। सुनो गायत्री सुनो तो, अरे सुनो सुनो मेरी बात तो सुनो यार। अरे पानी बहुत, अरे आगे बहुत बह रहा है। ए रुको रुको रुको, अरे अरे सुन, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे चलो 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 अंदर चलो अंदर चलो, मैं आता हूँ। कोई नहीं है। तुम भीगे कपड़ों में राजकपूरी मंदाकिनी लग रही हो। चल क्यों क्यों, चंद्र की गायत्री तो लगी रही हो ना। वो तो तुम जानो। दिल दिखा दो, यहाँ कोई नहीं है कसम से। लड़की अगर मुंह फुलाए तो समझो रेड सिग्नल, अगर शर्माए तो समझो ग्रीन सिग्नल। प्यारे प्यारे बोलेगा कुएं कूदा साले, कुएं कूदागा आज तो साले तेरे डंडे से तेरी खबर लूंगा। रुक साले काला बुद्धि, रुक 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 साले कंगारू, रुक साले तेरा।
दरवाजा खुला है। फ्लोरा, फ्लोरा, कौन? फ्लोरा, फ्लोरा, चंदर, तुम वहीं पर रुको, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। बहुत बढ़िया मौका है। मेरे को लेने दे, तू आराम से ले ले। कंगोर साले, जहां में तरकीब लगाता हूँ साले सर पे बोझ क्यों बनाता है? अरे जान, इस गांव में कोई आज मरा ही नहीं तो मेरे को कोई मिले नहीं जिसका फोटो लूं। मैं सोचा इसकी आके दिल की फोटो लूं, तेरी मदद करूं यार। साले उसके अंदर तू फोटो लेगा, मार मत, मार मत, मत जाता हूं। साले अरे यानी मार मत यार। साले साले ये साले तुम मुर्दों के अलावा और नहीं सोच सकता क्या? फोटो फोटो फोटो। गुरु तुम इसे छोड़ो और दारू पियो। दारू पिलाओ। अरे क्या दारू पिलाओ? हाँ तेरे में हिम्मत है तो एक उंगली से ताजमहल लीला के दिखा, नहीं तो इधर बैठ दो दो पैक पी और ताजमहल को हिलता हुआ देख मेरे भाई। क्या बात है मेरे भाई, तेरी दमकल सब सब घास तूड़ा। अब साले जनार्दन को ऐसा मारूंगा धनाधन धनाधन, और जीवा साले लंगड़ू को ऐसा लपेटूंगा, ऐसा लपेटूंगा और बजाऊंगा साला दिल्ली में गिरेगा तेरे। गुरु तेरे धीरे से मारना ताकि आगरा के पागल खाने में लैंड कर जाए तो अच्छा है। जयराम जी की, जयराम जी, जयराम जी की, जयराम जी की, दारूपी दारूपी, एक कंगारू साले, दारूपी दारूपी, बोलो ना साले जीवा को ऐसा मारूंगा। अब हम क्या बताएं तुमको, परसों जनार्दन भैया आएंगे ना वही बताएंगे। फिर साला शराब नहीं तुम्हारा पिछली से जुलाब निकलेगा, जुलाब समझा? हट। अब बजाते हैं तुम्हारा पुंगी। सालो सब दारू उतर गई भाया, भाया सब दारू चुल्ला बन के उतर गई। गुरु नशा उतर गया क्या? जनार्दन भाई के आने के पहले अब ये देखना जरूरी हो गया है कि किसकी जांग पर तिल है। पर कैसे गुरु? भाया हमारे पास एक आइडिया है। बोलो बोलो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। अबे ये आहा में लटके रहना क्या? अबे हमको नौटंकी दिखा, नौटंकी। ठीक है मेरे भाइयों, आपको हम ऐसी कुछ चीज दिखा रहे हैं जो आपने महाभारत के जमाने से जो कांड देखते आ रहे ना, अभी आपको एक कांड इधर भी दिखा रहे हैं। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? एक दो तीन आजा भांजे प्यारे, साड़ी उतार कर ले मजे सारे। मैं भी हूँ भांजा तेरा, मम आऊं क्या तेरी मदद करने।
तेरे तो अब आपके सामने आ रहे हैं शहंशाह अकबर। अनारकली, हमने सुना है कि शेखू के साथ तुम्हारी लोचाए जवानी बहुत गुल खिला रही है। मोहब्बत गुल नहीं तो क्या? खामोश, एक अदना कनीज हिंदुस्तान की मल्लिका बनने की आरजू रखती है। सिपाहियों, इस बेबाक लौंडी को ले जाओ और दीवारों में चुनवा दो। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, अकबर से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। अकबर आजम, मुगले आजम, इन आंखों में कनीज की सहमी हुई हसरते हैं, मेरे आंखों से मेरे ख्वाब ना छीनिए। शेखो, अगर तुम्हारी आरजू एक कनीज है, एक पांती है, तो ये पांती हमें बहू के रूप में कबूल है। चलो दिलदार चलो, जरा खोपचे में चलो, हमें तैयार चलो। हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, हिलोरी हिलोरी हिलो हिलो हिलोरी, चलो शेखो, ये तूने क्या किया? चुप, ये चल, तू पर्दा गिरा। क्या भाई लोग, मजा आया? अरे बहुत मजा आ रहा होगा आपको, क्योंकि मैं इंग्लैंड से चला आ रहा हूँ। काटती ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। भाई मरने तो ला गया है कि इस दुनिया में तिल वाली लड़की हाई नहीं। सरे तू है तुम्हारी तीनों की दोस्ती पर साले, तीनों लंगूर साले पंचर हुए बैठे हुए हैं, साले एक तिल वाली लड़की नहीं ढूंढ सके। अरे गुरु, हमने तुम्हारे लिए कॉलोनी की सारी जवान लड़कियों के फोटोज खींच डाले। अब इस कॉलोनी में खाली बुढ़िया बची है, बोल तो उनके भी फोटो ले लूं। ये कहूंगे तू चुप रहे राक्षस, मेरे ऊपर काल बन के क्यों मडरा रहा है तू? राहु केतु मंगल शनि चारों ग्रह एक साथ, क्या बात है? कुछ नहीं, खांसी जुकाम बुखार है, कल तक ठीक हो जाएगा। ओ बीमार हो? हाँ। कोई बात नहीं, जनार्दन भैया आ रहे हैं, दवाई लेकर ठीक हो जाओगे। ये ले कपड़ा, जनार्दन भैया के लिए दो कुर्ता सी दे। अच्छा ठीक, इतने कपड़े में दो कुर्ते? नहीं नहीं नहीं, दो क्या, चार सिल जाएंगे जनार्दन भाई कपड़ा जो है। राम सत्य, ये सब क्या है? ये है तेरी रास लीला का सीधा प्रसारण। देख ले बच्चे, जनार्दन भैया आ जाएंगे तो फिर आंखें बाकी नहीं बचेंगी, समझा? देख ले एमकेपी, इधर आओ। जी भैया। औरा जी भैया, देख
साला जीवा घटोत्कच। बाप रे बाप, ये जीवा फोटोग्राफर कब से बन गया? जीवा और फोटोग्राफर ठेंगा, ये फोटो तो आपने खींचे लाया। ले भाया, ये तो धोखेबाज निकलियो। इसकी तो साले तमे मालूम है तरका बेदी लगा डरो डरो डाले। अरे साला जब देखो तू मेरे को धुरक देता है, जाड़िया भी मेरे को धमाक से मारता है और तो ये हड्डी भी मेरे को मारती है, पर वो लगड़ू मुरली बजाता हुआ मेरे को नाक के पे बजा रहे कहीं भी रोकता है, बोलता है फोटो ले, नहीं तो तू मुर्दा होएगा, तेरा फोटो खींचूंगा मैं मुरली बजाता हुआ चले जाता यार। तो मैं फोटो ले लूंगा तो क्या लूंगा यार। साला नौटंकी कौवा। और तू मेरे को एक बात बता, क्या भारत और हिंदुस्तान में झगड़ा होगा तो मैं कह रहा हूँ बोल। कहाँ रहेगा तू? इंडिया में। एक्सक्यूज मी इसको साले घोटल में ले जाके मार रहे। जाता हूँ लेकिन याद रखना मैं तेरी शादी में फोटो लेने आऊंगा, इसको वार्निंग नहीं धमकी समझना मैं आऊंगा। देखियो इसमें मैं तो ना हूँ ना। नहीं यार तू तो नहीं है। बावले पंडित मेरी थोड़ी तबीयत ठीक ना है, मैं तो डॉक्टर के पास होके आऊं। जब जहाज डूबते हैं तो सबसे पहले चूहे भागते हैं प्यारे। हाँ, अगर जिंदा रहे तो चड्डी बनियान सी के भी जी लेंगे। आज रात चल भाग चलते हैं। अरे भैया आ गए। बैठो भैया। और कॉलोनी में कैसे हैं सब लोग? अरे सब ठीक चल रहा है भैया। अच्छा पुंगी बजा के रखा हूँ। दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा, दुल्हन तू दूल्हा मैं बन जाऊंगा। भैया ये क्या कर रहे हो? ये सपना देख रहे हो है कि सपने में घूम रहे हो? ये घूम नहीं रहा है, पागल होके झूम रहा है। वाह खूब मिलाया हो जोड़ी, एक अंधा एक गोड़ी। अब मैं समझो कि कॉलोनी में इसी पागल की चर्चा चल रही है। पर ये बता हुआ क्या है? पता चलते बता दूंगा। अरे चुप। मुझे हो नहीं गया है, मुझे मिल गया है, मेरी किस्मत का तिल मुझे मिल गया है, अब मैं राजा बनूंगा और मैं सेनापति और मैं प्रधानमंत्री। लेकिन भाई ये बता ये तिल वाली मिली कठे? अरे अपने मणिलाल की जो स्टील की दुकान है ना, दुकान के बाजू से जो गली जाती है ना, और उस गली के लेफ्ट में जो बंगलो है ना, उस बंगले में मिली? उस बंगलो में नहीं मिली, उसके बाजू वाले बंगलो में मिली। दिल वाली बाजू वाले बंगले में। अरे बावले पंडित चंद्र तो गये काम से। भाया भूल जाओ उस बंगले को। एफटीवी तू तो उस लड़की का सिर्फ नाम बता। अरे भाया मैं कहूँ तू भूल जाओ उस बंगले को। जीवा से पता लगा है कि वो स्कूल में आई नई टीचर है। ये तू सिर्फ उसका नाम बता। राधिका। राधिका मेरे चंदर की राधिका। अच्छा वो बंगलो किसका है? जनार्दन भाई का है। जनार्दन भाई का है? जनार्दन भाई का हो या उससे बड़े भाई का हो या किसी कसाई का हो, जनार्दन भाई का।
लगता है ये तो क्यों तो घर आ गया। दाल बाटी चूरमा बना के रखे हैं आपके लिए। अच्छा अभी खिलाते हैं आप। मैं जाए पागल जिन जाए बिन पागल जिन जाए। कैसी है तू? गुरु जनार्दन भाई आ गए हैं, अब तुम भी बाहर आ जाओ। कब तक पलंग के नीचे जनार्दन भाई से डर कर छुपे बैठोगे? जहां जहां तुम्हारा खून बहेगा वहां वहां मेरा पसीना पसीना बहेगा। गुरु कहीं समाधि तो नहीं ली ना तुमने? अरे गुरु मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया मत बोल, खबर क्या लाया है? राधिका नाम की नई टीचर टेम्पररी बेसिस पर स्कूल में पढ़ाने आई है और जनार्दन भाई के घर पर ही ठहरी हुई है। अरे साला सोने का हांडा मिला वो भी सांप के बिल में। गुरु तुम एक काम करो। हाँ तो जाके बीन बजाऊं? अरे नहीं गुरु, जनार्दन भाई के घर जाओ और कॉन्फिडेंटली बोलो, मैं राधिका से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा तो जनार्दन भाई राधिका से शादी की बात सुनकर शाबाशी देगा। प्यारे के जुबान है गुरु। अब शाबाशी देने के बाद तलवार को धार देगा। कसम से। और धार देने के बाद करेंगे और फिर आराम से सहलाएंगे और फिर बकरे की गर्दन की तरह प्यार से हलाल करेंगे। कच्चा गुरु। हाजी वाह, आजकल तू कॉलोनी के बारे में कुछ नहीं बताता। आप ठीक ठाक है भैया, गायत्री की अब तक शादी नहीं हुई है। वो नंदू मोची शहर चला गया, उसने वहाँ नई दुकान ले ली। भारती को बच्चा हुआ, उसने अपने बच्चे का नाम रखा है जनार्दन। जनार्दन क्यों, नाम खत्म हो गया क्या? अरे हाँ भैया, जीप का टायर बहुत घिस गया। अरे 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 राम प्यारे, कहाँ बड़े आदमी उससे टकरावे। क्या भाई कपड़ों की चलती फिरती दुकान, क्या खबर है? अरे इनकी खबर तो हम बताते हैं आपको, इन्होंने और चंदर ने मिलकर नया व्यापार शुरू किया है। हाँ, और उस व्यापार में ये दोनों मिलकर मैं कॉलोनी वालों को कपड़े बेचूं हूँ और वो सीधे हैं। अच्छा चलो। अरे भैया इनकी कहानी। मैंने माफ कर दे भैया, देख ये थारे हाथ नहीं थारे पाँव है, मैं थारे पाँव पकड़ के माफी मांगू हूँ। जनार्दन भाई को गुस्सा आ गया, चंदर के हाथ पांव काट डाले, तो मारे तो धंधो ही चौपट हो जाएगा। तो हम क्या करें? देखो एफटीवी, जो बोए हो वो तो काटोगे ही। भाया मैं थारे सच्ची के पांव पड़ू हूँ। अबे पांव पकड़ो चाहे नाक रगड़ो, हम तुमरी करतूत बता के ही रहेंगे भैया। अरे भाया ये बता, इसमें मारा क्या कसूर है? कसूर कसूर पूछते हो? साला तुमरा फिल्म में एक्शन उसका और डायरेक्शन तुम्हारा, और कसूर पूछते हो? जीवा भाया पुरानी बातों को छोड़ो ना। ये कहा है रिश्वत? साला रिश्वत देगा? हम का रिश्वत दे रहा है तू? ये रिश्वत ना है, ये तो थारी गाड़ी के नए टायर के लिए पैसा है। और चंदन जस्सी तुम साड़ी में? शादी के बाद भी पहननी ही पड़ेगी ना, तो मैंने सोचा अभी से प्रैक्टिस कर लूं। नहीं नहीं, आगे से लेफ्ट मुड़के राइट मुड़के फिर पता नहीं हमें कहाँ जाना। छोड़ो मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर? अरे मंदिर तुम कब से जाने लगी हो? पता है पूजा करने से जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, पंडित जी ने कहा है। शादी हुई नहीं जुड़वा बच्चे की मांग तुमसे नहीं रब से। अरे तो इसमें रब क्या करेंगे, सारी मेहनत मेहनताना तो हमें करना पड़ेगा ना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ ठंडे पानी में डुबकी लगानी है और उसके बाद मंदिर में जाके परिक्रमा करना है बस। परिक्रमा करने से बच्चे पैदा हो जाते हैं तो मैं एक नहीं 10 कर डालूंगा। 10 नहीं 1000। दिमाग खराब हो गया, क्यों कर रही हो हमारे साथ अत्याचार? चंदर हमारा अपॉइंटमेंट है इधर आगे। चलो चलो सुनो तो मेरी बात तो सुनो डार्लिंग, मेरी बात तो सुनो। देखो क्या है, पहले देखो पहले हम लोग बैठ समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे कार्रवाई करते हैं। तो अब पानी के जरिए कपड़े भीगे हुए, क्या कर रही है थोड़ी बात? रुको तो मेरी बात तो सुनो। अब देखो पूरी, अरे 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 यार, अरे अब तो अरे एक बार और, अरे ऐसे थोड़ी मन्नत पूरी हो जाती है। अब तुम्हें 1000 परिक्रमा करनी है, जल्दी आओ। अच्छे कपड़े पहने थे उनका सत्यानाश कर दिया तुमने यार। भगवान आप तो खुश हुए होंगे। जय हो रपा, हाथ जोड़ो। हाँ, 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 हाँ,
चलो अब तुम परिक्रमा लगाओ, मैं यहाँ बैठ कर देखती हूँ। चलो थोड़ी देर में चलो। मुझे पानी में डुबा खुश तो बहुत होंगे आप, अरे थोड़ी आग बाग जलवा दो। चंदर मजा आ रहा ना आपको? मैम कितना मजा आता है, कौन बता देता इन महिलाओं को? बच्चे पैदा करेगी एक नहीं, एक बच्चे पैदा करूंगा इससे। 10-12 साल पैदा करके क्रिकेट टीम में लगा दूंगा इसकी। ऐसी ऐसी मार भगवान बचा ले परवा, पता लग गया इसके तिल नहीं है। ये तो बहुत बड़ा चंदर। आप कौन है, आपको क्या काम है? जी मुझे ब्लाउज सिलवाना है। ₹30 लगेंगे, चलेगा ना? ₹30 क्यों, शहर में तो ₹20 लेते हैं। तो शहर में जाके करवा लीजिए, धागा वही, सुई वही, मशीन वही, और फिर शहर जितना रेट क्यों ना लगाऊं मैं। अरे जल्दी जल्दी बोलिए, मैं अपने पास टाइम नहीं, बहुत बिजी हूँ मैं। अच्छा अच्छा पता है, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, ये लीजिए ₹30 लीजिए। ले इसे रख टेपला। कमर कैसी होगी? नहीं कुछ नहीं, लिखो 36। बाजू बंद कैसे होंगे? नहीं कुछ नहीं, तिल ब्लाउज है ना जो लेटेस्ट डिजाइन के बनवाना चाहते हैं, उनमें तिल जैसे बटन लगाना चाहिए, तिल जैसे। लिखो 39। नहीं छोड़ो, बाकी छोड़ो, बाकी बाकी नाम पता सब कुछ लिख लो, मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो मेरी क्लास लेने, मेरी क्लास शुरू हो गई होगी। बहुत बिजी टेलर है आपके तो? सो तो है, अपना नाम तो बताइए। राधिका। हाँ तो बच्चों क्या कहा था मैंने? टीचर देर से आयो, वही खड़े रहो। अर्जुन ने धनुष उठाया, अर्जुन ने धनुष उठाया, और मछली की आँख सादी, और मछली की आँख सादी, अर्जुन ने धनुष उठाया, अर्जुन ने धनुष उठाया, और मछली की आँख सादी, और मछली की आँख सादी। कितनी बार धनुष उठवाएंगे आप कहिए? अर्जुन ने धनुष उठाया और मछली की आँख देखी और फिर राधिका से शादी कर ली। आप कौन? मैं अर्जुन, मैं चंदर, लेडीज टेलर, मुझे राधिका जी से मिलना है। मैं हूँ राधिका। अरे आप मजाक मत करिए, मुझे राधिका जी का पता दीजिए। मैं हूँ राधिका। अरे छी, आप राधिका कैसे हो सकती हैं? मुझे खूबसूरत राधिका से मिलना है। थप्पड़ भी नहीं मार पाई। आपके गाल पर क्या हुआ? राधिका, राधिका टीचर के बारे में पूछा तो गाल पर बिहार का नक्शा बना दिया। ये भूगोल की टीचर है क्या? देखिए इनका नाम भी राधिका है और मेरा भी नाम राधिका है। वो जनार्दन भाई के यहाँ कौन रहने आई हैं? जी मैं रहती हूँ। क्यों? आप राजा धीराज, टेलर आजम, चंदर सेन पधार रहे हैं। हेलो। ओ अच्छा, तो राधिका जी आप निकली। जी लेकिन आपको मुझसे क्या काम है? वो केपुआ सपा टपोरी नटफ। जी मुझे साउथ इंडियन नहीं आती, आप हिंदी में बोलिए ना। वो मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। अच्छा इतनी सी बात? लीजिए ना ये काफी। नहीं 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 ये नहीं, वो मुझे ट्यूशन लेनी है। अच्छा आपके बच्चे कहाँ हैं? उसी के लिए तो ढूंढ रहा हूँ। मेरा मतलब मैं आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कैसे करूंगा? रात मत मारिए प्लीज। जी मैं नहीं नहीं मैं पढ़ूंगा नहीं लिखूंगा नहीं तो आपसे शादी कैसे करूंगा? मेरा मतलब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी कैसे करूंगा मैं? अब ना मत कहिए प्लीज। ठीक है मैं सोच के बताती हूँ। थैंक यू टीचर। सुनिए ना जी, आप सोच लीजिए, मैं कंपाउंड के बाहर रहूंगा। मेरी बात तो सुनो बेटा। अरे एक मिनट रुको तो। अरे बेटा अंकल की बात तो सुनो। अरे सुनो 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 बेटा, एक मिनट बेटा। अच्छा बेटा बोला राधिका टीचर। अरे बेटा कैसे कैसे बच्चे पैदा करते हैं? टीचर आप फिर से आ गए? नहीं गया था और ब्लाउज सिल के लेके आ गया। इतनी जल्दी? ये कोई ब्लाउज देने की जगह है क्या? स्कूल में बच्चों के सामने देता तो अच्छा लगता क्या? ठीक है कितने हुए? ₹30 ना? नहीं नहीं ₹20, पूरा शहर 20 ही लेता है। ₹20। अच्छा
इतनी मेहरबानी क्यों? कहीं ट्यूशन लेने के लिए कोई तरकीब तो नहीं मुझे इम्प्रेस करने के लिए? ये दो ब्लाउज किसका है? ये भी आपके लिए। नहीं, मैंने एक ही ब्लाउज सिलने दिया। नहीं, मैंने दो सिल दिए। क्यों? आपका शेप बहुत अच्छा है। मुझसे ट्यूशन लेने की बात करते हो और बात करने की तमीज तक नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, स्टूपिड इडियट। औरतों से कैसे बात की जाती है ये तक पता नहीं मुझे। मैं लेडीज टेलर नहीं, मैं पुलिस टेलर हूँ। गंगू तेली साला कुत्ते की तरह सो रहा। क्या हुआ गुरु, मुझे क्यों मार रहे हो? तुझे क्यों मार रहा हूँ? ये चारपाई किसकी? तेरी। ये बिस्तर किसका है? तेरा। ये चादर किसकी है? तेरी। तो इस पर सोएगा कौन? मैं। अरे तेरा मर जाए तू। अरे मार क्यों रहे हो गुरु? और ये चिलकवे जैसा मुंह क्यों बना रखा है? इसे वापस मुंह में ले सकता है? नहीं, नहीं। ऐसे मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया राधिका के लिए, मैं क्या करूं? इसमें प्रॉब्लम क्या है गुरु? आंखों में आंसू लिए, होठों पे सॉरी लिए, राधिका के पास पहुंच जाओ और दंडवत प्रणाम करो। अच्छा, और बोलो बहन जी माफ करो। राधिका को बहन जी बोलो? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब मैडम माफ कर दो। माफी देना तो हिंदुस्तानी औरतों का जेवर होता है गुरु। प्यारे मेरे नाम दुलारे, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। तू मेरे साथ बचपन से काम कर रहा है, लेकिन आज मुझे तुझे कुछ देना चाहिए। दे रहे दुरुस्ता है गुरु, दे दो। आज से मैं तुझे तू नहीं आप कहूंगा। आजा गले लग जा प्यारे। हा, 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 हा। आप सो जाओ, मैं काम निपटा के आता हूँ, सो जाओ। आओ जीवा। जी भैया, बहुत दिन हुए यार, तुम्हारे साथ कोई सीरियस बात ही नहीं हुई। क्या हुआ भैया, कोई खास बात है का? नहीं जीवा, ऐसे ही बहुत दिनों से मैं कुछ सोच रहा था। कहिए ना, क्या है? तुमने जिंदगी भर मेरी सेवा की, अब समय आ गया है तुम्हें कुछ अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं चाहता हूँ जीवा तुम अपना घर बसा लो। अरे कहाँ बात कर रहे हैं भैया, हम कहाँ घर बसाएंगे? हमारा छोड़िए भैया, एक बार गौरी का ब्याह हो जाए हम समझेंगे हम गंगा नहा लिए। कौन करेगा यार गौरी से शादी? ईश्वर है ना भैया, सब ठीक हो जाए। चिंता तो है। ये चंदर है ना? ए चंदर, इधर आ, इधर आ। तू यहाँ क्या कर रहा है इतनी रात? वो क्या? वो वॉक नाइट ही करने जा रहा था। नाइटी वॉक? नहीं, वो नाइट वॉक करने जा रहा था। नाइट वॉक, वो भी इस वक्त? ऐसे मन हो गया। हाँ, इनका खाना हजम नहीं हुआ होगा ना? नहीं नहीं, हजम हो गया, पूरी तरह हजम हो गया। मैं जाके सो रहा हूँ। आराम से सोना, नहीं तो एसिडिटी हो जाएगा। साला बहुत बड़ा नौटंकी है ये। चलो ओ चंदर, ओ भाया चंदर, बैठ। कहाँ चला गया? उठ, खड़ा हो। अरे छोड़ ले, थारा बाप कठे है। अरे थारा गुरु, उसकी वजह से मारा 1000 रुपए घुस गयो है, और जीवा की जेब है कि भर्ती घोड़ी? जेब है कि कुंभकर्ण का पेट है? अरे वो छोड़, ये बता मारा पिसक कौन देगा? खाते में लिख लो। अरे खाते में लिख लो, खाते में लिखता रहूंगा तो मारा खाता खत्म हो जाएगा। इतनी रात गई ये गोरी यहाँ क्या कर रही है? पगली है ना, कभी भी आती जाती रहती है। प्यारे प्यारे, वो आसमान में सफेद भूत निकलता है ना, आज नहीं निकला। चलो ना प्यारे, हम इसे जाके बुला के लाते हैं। सफेद भूत? चांद की बात कर रही है? है? चांद को सफेद भूत कहवे है तो मारे को क्या कहवे है? सफेद मक्खी। और मुझको सफेद मक्खी को मारना अच्छा लगता है। अरे रोक से यार, अरे पगला गई है। ये तो गया काम से। चलो ना प्यारे, नहीं तो वो सफेद भूत रूठ जाएगा। चलो चलो चलो, ठीक है चलो चलो। ए बच्चा सुनो सुनो, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। हाँ, अब देखते हैं कौन किसको हराता है। चलो चलो, भागो भागो भागो, लगड़ी 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 लगड़ी।
चलो चलो सब लोग, ये बेटा सुनो, ये लेटर राधिका टीचर को दे दो जाके। ठीक है, देखे चलो। किसने दिया ये? पता नहीं मैडम, जाकर बुलाओ। मैं पहले से यहाँ हूँ। नमस्ते टीचर। ये क्या है? ये लव लेटर है। क्या? मेरा मतलब सॉरी लेटर है, कल मैंने मिस्टेक की थी ना, इसलिए सोचा लेटर लिखकर सॉरी मांग लूं। सॉरी टीचर। लेकिन ये हैंडराइटिंग है, ये मुर्गी की टांगे। अनाथ हूँ, किसी ने सिखाया ही नहीं, वैसे भी अनाथ बच्चों को कौन सिखाता है। ठीक है, लेकिन ये है क्या? नमस्ते टीचर, वो क्या है कि वो छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, अल्प विराम, पूर्ण विराम, बिंदी, किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं है। हर जगह व्याकरण में गलतियाँ। तुम्हें तो अपना नाम तक लिखना नहीं आता। ये देखो, चंदर की जगह तुमने चद्दर लिख दिया है। चंदर के ऊपर की बिंदी कहीं तुमने शर्ट का बटन समझ के शर्ट पे तो नहीं लगा दिया ना? इसीलिए तो प्राइवेट ट्यूशन के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। ठीक है, कल से आ जाओ, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट की तरह। अरे, नमस्ते भाई। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या नया नाटक है? नहीं नहीं, टेलरिंग छोड़ के सर्कस में भर्ती हो गया क्या? वो भाई, जो पढ़ता लिखता नहीं वो जानवर बराबर होता है। हाँ तो ठीक बात है ना, इसलिए राधिका। राधिका नहीं, इसलिए राधिका टीचर के पास मैंने ट्यूशन लगाई है। वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना, अगर यूनिफॉर्म पहन के ना जाओ तो प्राइवेट ट्यूशन में आना। प्राइवेट ट्यूशन? नहीं, ट्यूशन तो पब्लिक ही है, लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहते हैं, और पब्लिक ट्यूशन में लेट नहीं जाना चाहिए। तो मैं जाऊं नहीं तो लेट हो जाऊंगा तो राधिका जी मारेंगे। आ जाओ जाओ। अरे जाने देना जीवा इसको। जाने। ए जीवा, इस पे नजर रखना। अरे भैया, इसका ऊपर तो हम आंखों में तेल डालकर नजर रखेंगे। चंदर? जी जी। क्या 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 देख रहे हो? तिल ढूंढ रहा हूँ। हाँ? साफ कर रहा हूँ, धूल साफ कर रहा हूँ। करने की जरूरत नहीं है। ये क्या पहनकर आए हो तुम? ये स्कूल की यूनिफॉर्म है टीचर। ठीक है, आज के लिए ठीक है, लेकिन कल से ये सब नॉर्मल कपड़े पहनकर आना। ठीक है ठीक। चलो बैठो यहाँ पे। जी। अच्छा, पहली बात मुझे ये बताओ, तुम कहाँ तक पढ़े हो? पहली में एक बार फेल हुआ, दूसरी में दो बार फेल हुआ, तीसरी में तीन बार, चौथी में चार बार, पांचवी में एक बार। अच्छा, पांचवी में एक बार क्यों? उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ। बहुत अच्छा किया। अच्छा, पांचवी तक पढ़े हो, कुछ तो तुम्हें आता होगा, कुछ तो सीखा होगा तुमने, कविता या कोई देशभक्ति गीत? हाँ, देशभक्ति गीत आता है, देशभक्ति आता है। अच्छा सुनाओ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए दिल में है। तिल में नहीं चंदर, का तिल में। अरे यही मेरी तिल की प्रॉब्लम है। हा? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा, और हाँ, तुम तो लेडीज टेलर हो। हाँ जी। तो तुम तो गणित में बिल्कुल पक्के होगे ना? हाँ, गणित बिल्कुल पक्का हूँ, मुझे 12 का आधा पहाड़ा आता है। आधा? चलो मेरी किस्मत। चलो सुनाओ। 12 एकम 12, 12 दूनी 36, 12 तिया 24, 12 चौकू 36, 36 पंजे 24। बस बस बस, तुम मुझे पहाड़ा सुना रहे हो या किसी की मेजरमेंट बता रहे हो? टीचर जी, लेडीज टेलर हो ना, तो मुझे 24-36 का आंकड़ा बहुत अच्छे से याद रहता है, वही फंसा रहता है जवान में। देखो ना, तुम देशभक्ति गीत ठीक से गा पा रहे हो, ना तुम पहाड़ा सुना पा रहे हो। क्या पढ़ा है तुमने अभी तक? मायापुरी पढ़ा है मैम। कौन सी? मायापुरी। उसमें तिल वाले तिल ले जाएंगे, हमारा तिल आपके पास है, तिल तो पागल है। ये तिल क्या? तुम देखो, ये किताब लो। हाँ।
इसके जो पहले 5 लेसन्स हैं, कल तुम एकदम से पढ़ के सीख के आना। जी। अगर तुमने ये होमवर्क नहीं किया चंदर, तो मैं तुम्हारी ट्यूशन नहीं लूंगी। नहीं, नहीं, नहीं। और जो तुम्हारा तिल है ना, उसे घर पे छोड़ के आना। ये लो पकड़ो। तिल ने मुझे बर्बाद कर दिया। एक बात बोलूं आपसे? बोलिए। आप मेरी टीचर हैं, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। हमारा एक बहुत बढ़िया रिश्ता है, तो उसमें आप मत बोला करिए। आप बड़ा पुराना और पराया लगता है। आप मुझे तू बोला करिए, मैं आपको तू बोला करूंगा। चंदर, मैं जानती हूँ ये तुम्हारी प्राइवेट ट्यूशन है, लेकिन मैं इस ट्यूशन को इतना भी प्राइवेट नहीं करना चाहती। अभी तुम जाओ, कल टाइम पर आ जाना। टीचर जी नमस्ते। नमस्ते। चंदर, तुम्हारी अस्थियां डाल रहा हूँ। पत्थर पत्थर। फ्लोरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेडिंग सूट सिलवाने लाई हूँ अपने फ्यूचर हस्बैंड के लिए। मैं बच गया। कौन है वो बदनसीब? पागल, तुम ही तो। मैं बदनसीब? चंदर, चंदर। कैसा लगा मेरा मंगलसूत्र? मंगलसूत्र अच्छा है, सोने का है। तुम्हें कैसा लगा? मुझे कैसे मालूम? मैं कोई सुनार थोड़ी हूँ, मैं तो टेलर हूँ। यू टेल हर ना। तुम्हारी कास्ट में मंगलसूत्र शादी के पहले पहनते हैं? नहीं। मैं भी शादी के बाद ही पहनूंगी। मतलब तुम्हारी भी शादी हो रही है? हाँ? मेरी भी शादी हो रही है। इनकी भी शादी हो रही है, तुम्हारी भी शादी हो रही है, दोनों शादी शादी खेल रहे हैं। चंदर, मैं कब से ढूंढ रही थी तुम्हें। ओये ओये चंदर, उर्वशी रोम्बा तो थी, मेनका जी पौधारिये, छोटा छोटा कदमों से पौधारिये। आई 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 आई, और अपना साड़ी संभालिए, नहीं तो। चंदर, बाबा बोलो ना कि मसे कोनो मुहूर्त नहीं शादी। की होवे माँ दुर्गा अमार। चंदर, तुम ही देखो ना मुहूर्त प्लीज। गायत्री, चंदर तुम्हारे लिए मुहूर्त क्यों देखेगा? क्यों नहीं देखेगा? चंदन नहीं ढूंढेगा तो कौन ढूंढेगा? हाँ, वही तो हमारा आइडल, आइडल, इंडियन आइडल। इस कॉलोनी में सबसे समझदार, सबसे प्रतिभावान, व्यक्तित्व का धनी और अब कैरेक्टर वाला आदमी तो मैं ही हूँ, है ना? समझ गए है ना? है ना? है ना? हंसो हंसो, मजा आ रहा है। चंदर, तुम ना वेडिंग सूट सिलने के बाद पहनकर देखना। चंदर क्यों पहनेगा? नहीं, वो साइज साइज। चंदर साड़ी, फ्लोरा के पति जो मेरे पति जी, दोनों पतियों के सेम साइज है। गायत्री, तू भी अपने होने वाले पति के लिए वेडिंग सूट सिलवा ही ले। चंदर, सूट सिलवाओ, खूब सूट सिलवाओ, जमके सूट सिलवाओ। मैं भी अपने पति के लिए सूट सिलवाता हूँ। अरे सूट क्यों सिलवाओ? देखो देखो, वेडिंग सूट में सूट की जरूरत नहीं होती है, प्यार की जरूरत होती है ना गायत्री? है ना चंदर? मैं हूँ जस्सी। हाँ, मैं भी एक और। गायत्री, फ्लोरा, गायत्री, फ्लोरा, जस्सी, तीनों बन गई लस्सी। ये सुनो सुनो, गोलू के बीच में ना जैसे गन्ने की हालत होती है ना, वैसे तुम तीनों के बीच मेरी हालत हो गई है। क्या? चंदर कुछ है ना? वो कितने गया? चंदर? अरे गुरु, क्या हुआ गुरु? अरे भैया, एक आँख से टपक पड़े हो और टपकते ही सोच में पड़ गयो। जान देने की सोच रहा है? अरे जान दे देना, पर पहले मारा पैसा दे दे। मैं जान देने की बात कर रहा हूँ, इसको पैसे की पड़ी हुई है। अगर गायत्री, फ्लोरा, जस्सी तीनों को पता चल गया कि मैं तीनों को बेवकूफ बना रहा हूँ, तो वो जनार्दन भाई को तो मेरी टांगे और हाथ नहीं बचेंगे। लेकिन मैं डरूं क्यों? डॉक्टर ने बोला डरना मना है। डरना जरूरी है, क्योंकि वो हाथ पैर काट देता है। अरे कितनी बार हाथ काटेगा? हाथ काटेगो, हाथ काटेगो। अरे ओलंपिक में जा रही हो है, जो बार बार रिहर्सल कर रही हो है, बाप का राज है क्या? ये तू कब तक सजेगी यार? डिस्टर्ब मत करो। जनार्दन भाई यहाँ है। ए, तुम क्या कर रहे हो यार? अरे तुम अभी क्या कर रहे हो यार? जनार्दन भाई यहाँ है। अरे नहीं नहीं, अभी तुम चलो, अभी तुम्हारी एंट्री नहीं, तुम्हारी एंट्री थोड़ी देर बाद है यार। अरे जाओ तो यार, तुम डिस्टर्ब मत करो यार। देखे 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 देखे, राधिका टीचर का नाम लेता है। हाथ आगे करो। लो। ए, अरे तू क्या सचमुच राधिका है क्या? राधिका होती ना तो छड़ी से मारती। अच्छा चलो ठीक है। हाँ हाँ, राधिका जी,
मुझे तिल दिखा दो ना। तिल नहीं है, मस्सा है, चलेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं मस्सा नहीं चाहिए, मुझे तिल चाहिए, तिल, ये यहाँ वाला तिल, तिल यहाँ, तिल दिखाओ ना, दिखाओ। जनार्दन भाई से पूछू? अरे यहाँ, अरे यार तुम्हारी एंट्री अभी नहीं है, तुम्हारी एंट्री बाद में यार। अरे चलो यार, तुम हमेशा गड़बड़ कर देते हो यार, और एफटीवी ज्यादा गड़बड़ करोगे, मैं अभी के अभी जुतियाने लूंगा तुम्हें। यहाँ आ जाओ राधिका। हाँ। राधिका। हाँ। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ राधिका। करो जितना करना है करो। हाँ। मुझे कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है, मैं तो वीर हूँ। आ गले लग जाओ राधिका, दिखा दे तिल, मिल जाएंगे दो दिल। दिल देखना है, एक मिनट। हाँ दिखा दे, दिखा दे, दिखा दे। ये तिल है क्या? अफीम का अंटा। चल तू वो सब छोड़, सुन राधिका, मैं किस कर सकता हूँ? किस करो, लेकिन काटो मत। हाँ अरे काटने के लिए मैं जनार्दन भाई हूँ क्या? अरे भाई उसको काटने पीटने की बात कौन कर रहे हो? है खबरदार, हमारे को एंट्री ना बता, हमारी एंट्री हो चुकी है। जनार्दन भाई को बता रहा है एंट्री कौन सी होती है। मैं जनार्दन भाई से क्यों डरूं, इसकी तो मैं ऐसी तैसी करता हूँ। जनार्दन, कॉलोनी में कोई किसी से प्यार करता है तो तेरी क्यों भगती है बे? अरे राधिका इसको समझा। जनार्दन भाई को मार रहे हो? ये कौन है? मैं जीवा। कौन है? जीवा। हाँ हेलो। अरे ये आ गयो, मारो जीवो। ये जीवा है? अरे वो झाड़ू बिखरे हुए तिनके, तेरी तो मैं आंखें नोच लूंगा। अरे 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 मैं सोचा था यार इंटरवल के बाद मेरे को मिलेगी मिठाई, या तो और मेरी पिटाई। अरे मेरे को क्यों मार रहे हो यार? यार राधिका तू भी मेरे को मार रही है? अरे बहती गंगा में हाथ धो ली है राधिका। हे मारे सामने राधिका को छू रहे है, तेरी इतनी हिम्मत? अरे मारा जीवो, तू क्यों कर रहे हो? तुम्हारी ऐसी की तैसी, साले साले तू गुंडा, ये साला चमचा, तेरा खानदान कुत्ते का भू, तू साले गोबर, ये गोबर पड़ा हुआ कीड़ा। तो कीड़ो है ना, तो कीड़ो निकाल निकाल। अरे साला ये एक्टिंग भी छोड़ देता हूँ, मैं तुम लोग की मदद कर रहा हूँ, जीवा बन के मुरली बजा के परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लेकिन क्या फायदा? तुम लोग ही मेरे को मार रहे हो यार, जो मैं नहीं खेलता तुम लोग के साथ, नहीं खेलता मैं, क्यों लगड़ा रहा हूँ? चार्ली चैपलिन साला इधर आओ। गुड इवनिंग। क्या भैया काम हुआ का नहीं? अरे हो गया ना बाप, काम आप बोले तो हो जाएगा ना। लाओ बताओ, फोटो बताओ। अरे जल्दी बताओ। हाँ बढ़िया किए हो सलाम। हमरा एक काम करोगे? हुकुम हुकुम। वो क्या कहते हैं उसको, तरीक तरीक ट्रिक ट्रिक फोटोग्राफी, वही करके चंदर की जगह वो साला एफटीवी को चिपका दो, करोगे ना? नहीं करेगा, लेकिन क्या मैं तो मूर्तों का फोटोग्राफर हूँ ना बॉस। साला काम नहीं करोगे ना तो मुर्दा बनोगे तुम, और फोटो खींचेंगे हम, समझा? करेगा करेगा। धनु चल का खड़ा शनि, चल मोड़ मोड़ फटे ढोल, इधर आओ। जय राम जी की भाया। राम राम। का एफटीवी नाराज होका, साला नजर ही नहीं आते। अरे क्या बात कर रहे हो भाया। देखो हम तुम्हारा लिए एक तोहफा लाया हूँ। हमरे लिए? देखोगे फोटो? फोटो है, तुम्हारा फोटो है। ये देखो, ये देखो। कैसा लगा? कैसा लगा? अच्छा लगा ना हमरा स्पेशली फॉक्स। सोच एफटीवी, अगर तेरी ये बदमाशी की खबरें भैया को पता चल गई तो तेरे हाथ में घी का कटोरा कैसा लगेगा? भैया
भाया, क्यों गरीब की लंगोटी उतार रहे हो भाया? ठीक है, हम तुम्हारी लंगोटी ना ही उतार, अपनी लंगोटी में से नकद नारायण तो निकालो। हाँ, भाई सब ले लो, सब ले लो, ला ले लो, ले लो, ये लो, ये भी ले लो। टीचर जी, ओ ये नए कपड़े क्यों? आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। अच्छा ये बताओ क्या गिफ्ट दो, नया लेसन पढ़ाऊं? बर्थडे के दिन भी लेसन? आप मुझे 500 रुपए दे दीजिए, मैं आपको पार्टी देता हूँ। 500 रुपए क्यों? जन्मदिन तुम्हारा और 500 रुपए मैं दूं, ये क्या बात हुई? औरतों से पैसे लेना शुभ होता है, दे दीजिए ना। पैसे वैसे नहीं दूंगी, बर्थडे गिफ्ट दे सकती हूँ। अच्छा आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मैं आपको गिफ्ट देता हूँ। क्या दोगे? आंखें बंद करिए ना प्लीज। क्यों? अच्छा आपको गिफ्ट पसंद ना आया है तो आप वापस कर दें, आंखें बंद करिए ना। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? मैं कहती हूँ निकल जाओ, मैं अभी जाके जनार्दन भाई को बताती हूँ। टीचर जी, माफ करो, छोड़ो, चलो जाने दो यार, रुस्वा करो ना। माफ करो, छोड़ो, चलो जाने दो यार, रुस्वा करो ना, ना 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 ना, रुस्वा करो ना, माफ करो, छोड़ो। 1, 2, I love you, 3, 4 मेरा सब जोर, 5, 6 करके भी हरा। अच्छा माफ करो, छोड़ो, चलो जाने दो यार, रुस्वा करो ना, ना 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 ना, रुस्वा करो ना, माफ करो, छोड़ो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। ये लो बेटी। जैसी बेटा आज बहुत खुश लग रही हो। गल कुछ ऐसी है पंडित जी कि मैं शादी करने की सोच रही हूँ। बड़ी खुश नसीब हो बेटा, अगले रविवार का मुहूर्त बहुत अच्छा है। क्या ऐसा मुहूर्त 50 सालों में एक बार आता है? अगर तुमने इस मुहूर्त पे शादी कर ली
तो अपने पति के दिल पे राज करोगी। घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रही। जाओ बेटा, सदा सुहागिन रहो। चंदन, कौन है बे? आज मैं बहुत हैप्पी है गिया। गासर, अगले रविवार ना पंडित जी ने सारी शादी का मुहूर्त निकाला। अपनी शादी? इतनी जल्दी कैसे जमेगा सब कुछ? इन पंडित पंडित की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। ये इस सड़क बैठ के दिन दोपहर में लोगों को बेवकूफ बना देते हैं। कहाँ पड़ी हो तुम इस चक्कर में? की कह रहा है? आज तक कभी भी पंडित जी की कोई भी गल झूठी हुई है नहीं ना? फिर अभी सच्ची होगी। चल दिया शादी की तैयारी करनी है ना। ओके चल। अच्छा तू अपने सारे रिश्तेदारों नु बुला ले, ठीक है? जल्दी आ। शादी होगी कि नहीं पता नहीं, पर इस शुभ मुहूर्त पे जनार्दन भाई कहीं मेरे टुकड़े टुकड़े करके मेरे गले माला न पहना दे। चंदो, अमी गायत्री। अच्छा तू है, मुझे लगा कोई चंदन के पेड़ पर अजगर लपेटा मार रहा है। निपट नहीं तो आई हूँ। पता है तुम्हें, पुनित जी ने कहा है इस रविवार को बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है। मैं तो सोच रही थी कि हम लोग शादी कर लेते हैं। 50 साल में ऐसा पहली बार मुहूर्त निकला, पता है? तुम चाहती हो कि इस शुभ मुहूर्त पे हम दोनों शादी कर लें? अरे यार, अभी तो हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं है, प्यार व्यार भी नहीं किया है, अभी कैसे शादी कर लें? प्यार व्यार सब शादी के बाद, बस प्यार व्यार कुछ नहीं, हमें बॉस चाहिए। मैं तो पिताजी को बोलने जा रही हूँ, आप बस तैयार है ना शादी के लिए? ठीक है, अभी आती हूँ। सुनो तो, सुनो तो, और इन लड़कियों से पीछा छूट जाते मेरी जान पर चल। भगवान चंदर सुनो। अगले रविवार को शादी के लिए शुभ मुहूर्त है। तो फिर तो हमें इसी मुहूर्त पर शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा, शादी कर लेते हैं। इस चीज में शादी कैसे कर सकते हैं? तुम कैथोलिक हो, हम हिंदू हैं, तुम्हारे भगवान अलग हैं, मेरे भगवान अलग हैं, दोनों भगवानों में क्लैश हो गया तो वॉर नहीं हो जाएगा? अरे पागल, शादी के बाद तो मैं हिंदू ही बनने वाली हूँ ना। अच्छा चलो, मुझे बहुत तैयारी करनी है, शादी की बहुत तैयारियाँ बाकी। एक और बात, अमित जी को जरूर बुलाना प्लीज। नहीं बुलाऊंगा, पूरी इंडस्ट्री को बुलाऊंगा। ये 50 सालों बाद कौन सा ऐसा मुहूर्त आ गया जो मेरी बाट लगा रहा है?
खड़ी हो? मैं आपको स्कूल कॉलेज हर जगह ढूंढ के आ रहा हूँ। पूरी कॉलोनी कांड हो गया, चारों तरफ आग फैली हुई। क्या? शादी का मुहूर्त चल रहा है, शादी का। तुम भी ना? पता है पंडित जी ने कहा है कि अगले रविवार को इतना अच्छा शुभ मुहूर्त है कि अगर कोई भी आदमी शादी करेगा तो उसका भाग्य समर जाएगा और पति पत्नी अंत में सीधे बैकुंठ जाएंगे। अच्छा, लेकिन मैं इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। भाग्य वाग्य मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ कर्म में विश्वास करती हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब है कि छिपकली गन्ने पे आप नहाती नहीं हो? धत, तुम नहाते हो क्या? हमारा छोड़िए, हम नहाते कहाँ हैं। अच्छा, ये बेकार की बातें छोड़ो, एक बात बताओ, तुम क्या शादी करने वाले हो? अच्छा, किससे? आपसे। मुझसे शादी? नहीं चंदर, ये नहीं हो सकता। असल में मैंने तुम्हें बताया ही नहीं, मैं कल शहर जा रही हूँ। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं भी चलूंगा आपके साथ। मेरे साथ? हाँ। शहर? हाँ। तुम क्या करोगे शहर में चंदर? मैं टेलरिंग की दुकान खोलूंगा। आप टीचिंग करना, मैं स्टिचिंग करूंगा। आप मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैं राधिका जी, मैं आपको पलकों पर बिठा के रखूंगा। मैं लेकिन आप मुझे मना मत करिए, प्लीज प्लीज। अच्छा, अभी मुझे थोड़ा सोचने का वक्त। नहीं नहीं नहीं, आप कुछ मत सोचिए, आप अभी बता दो ना। ठीक है। थैंक यू, मैं कल आऊंगा। थैंक यू। पागल जिन बजाए मिन। ए, वो मेरा है, मुझे दो, मेरा है, दो। मेरा गौरी। अरे अरे, का हुआ रे हमरा गौरी को? हे पूजा, हे सुमित्रा, का हुआ हमरा गौरी को? पता नहीं क्या हो गया। अरे बाप रे बाप, या को पता चला तो साला हमरा पुंगी बच जाएगा। चलो हटो हटो, ए हटो। जय बजरंग बली। का हुआ डॉक्टर नीजी? जीवा गौरी पेट से है। क्या कह रही है, पेट से? अरे बाप रे बाप, ये साला उस कमीना चंदर का ही काम है। हम तो चले परदेश, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। पूरी कॉलोनी छूट जाएगी। जीवा, जी भैया, तेरे होते हुए ये हुआ कैसे? गौरी की हालत का जिम्मेदार तू है। नहीं नहीं भैया, हम अपना जिम्मेदारी में कोई कमी नहीं किया हूं, लेकिन वो साला चंदर का बच्चा है ना, वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर बस। उस चंदर को मेरे सामने ले गया। लाते हैं भैया, अभी लाते हैं। आप सबको बाय बाय, सबको डिवोर्स कर रहा हूं। एफटीवी, अच्छा हुआ तू आ गया, एक खुशखबरी है। अरे खुशखबरी रहने दे भाया, पहले थे भाग यहाँ से। क्यों, मैं क्यों भागूं? अरे जनार्दन भाई और चीवा थारे को मारने के वास्ते यहाँ आ रहे हो। क्यों, मैंने क्या किया है? अरे गौरी पेट से है, है? और सबको लागे है कि उसके गर्भवती होने की वजह थे है। नहीं नहीं, अरे मैंने क्या किया है? वक्त बहस करने का नहीं है, थे भाग यहाँ से। क्या
मैंने कुछ मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ नहीं किया। इस कॉलोनी में कोई भी किसी भी औरत पर बुरी नजर डालने की हिम्मत नहीं रखता, और तुमने मेरे घर पे, मेरे घर पे, भाई, भाई मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया भाई मैंने, और अब तू कुछ करने के लायक भी नहीं रहेगा, भाई, 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 भाई हरामी। अपनी भानिया के साथ अपनी भानिया के साथ साला कुकर करने के लिए पूरे गांव में कोई नहीं मिली तुमको, एक पगलिया के साथ तरस तरस नहीं आया तुझको बेचारी पगली पर, तरस नहीं आया साला। भैया दीजिए, काट डालिए साला के हाथ, दीजिए चलिए। रुक जाइए जनार्दन भाई, कसूर चंदर का नहीं है, कसूर प्यारे का है। मुझे माफ कर दो जनार्दन भाई, मुझे माफ कर दो, इसमें हमारे गुरु का कोई दोष नहीं है, मुझसे ये गलती हो गई, मुझे माफ कर दो जनार्दन भाई, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। साले तेरी तो मुंडी काट के मैं कलोनी के चौराहे पे लटका दूंगा। जनार्दन भाई रोक लीजिए अपने हाथ को, वरना आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप इनकी जान ले लेंगे तो गौरी का क्या होगा? अब रह भी क्या गया है? जनार्दन भाई, कल अगर गौरी के बच्चे ने आपसे अपने पिता के बारे में पूछा तो आप क्या जवाब देंगे? प्यारे गौरी से शादी करना चाहता है, इंसानियत के नाते इन दोनों की शादी करा दीजिए, इतनी नफरत मत कीजिए जनार्दन भाई कि उसके सामने गौरी के प्रति आपका प्यार कम हो जाए। अपनी ये तलवार रख दीजिए जनार्दन भाई, इन दोनों को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, इनकी शादी करा दीजिए। राधिका ठीक कहती है भैया, प्यारे को माफ कर दीजिए, इन दोनों का ब्याह करवा दीजिए, अपनी गौरी का ब्याह हो जाए यही चाहते थे ना, यही अरमान था आपका, बस समझ लीजिए ईश्वर की तरफ से समाधान मिला है, इसे स्वीकार कर लीजिए, ये तलवार फेंक दीजिए और इन्हें माफ कर दीजिए। चंदर तुम्हारा भोलापन देखकर मैं तुम्हारे करीब आई थी, लेकिन शायद तुम्हें पहचानने में मैंने गलती की, तुमने एक ज्योतिषी की बात पर तीन लड़कियों की भावनाओं से खेला है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो इनसे मांगो। नहीं राधिका बहन, नहीं, इसमें चंदर का कोई कसूर नहीं, और अब मेरे दिल में भी चंदर के लिए कोई मैल नहीं, चंदर दिल का चंगा बंदा है, उसे कई मौके मिले सी साड़ा फायदा उठान दे, लेकिन उसने ऐसा कोई काम नहीं किता जिससे एक लड़की को शर्मिंदा होना पड़े,
चौंदन ने हमारा भी कभी कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि अमर तो जिंदगी भी इसी की देन है। राधिका जी, चंद्र अगर चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन उसने तुम तीनों से शादी का वादा किया था ना? हाँ किया तो था, मगर वादा क्यों किया था उसकी वजह अब जान गए हैं हम। देखा चंद्र, भाग्य पर भरोसा करने का क्या नतीजा निकला? कर्म करके सिलाई के काम में मन लगाने के बजाय तुमने भाग्य का सहारा लिया। भाग्य में मैं भी विश्वास करती हूँ चंदन, लेकिन वो सिर्फ कर्म से हासिल होता है, क्योंकि भाग्य और कर्म एक साथ चलते हैं। मैंने आप लोगों से जो जो कुछ भी कहा सुना, उसके लिए मुझे माफ करना। चलो भाई बस आ गई। आज मेरी सुहागरात है। अरे अरे, आपको तो दूध लेके आना चाहिए, यहाँ भी छड़ी लेके आई हो, यहाँ भी टीचर गिरी। हाँ अब ठीक है, बहुत अच्छी लग रही हो। मैं तुम्हें लेकर दुखी हूँ। मुझे लेकर? मुझे क्या हुआ? तुम्हें किसी तिल वाली लड़की के साथ शादी करके राजा बनना था ना? वो तो मिल गई। मेरे पास तिल ही नहीं है। क्या? वो उस दिन जो लड़की देखी थी वो कौन थी? मुझे क्या पागल जी बजाए बिन रोटी खाए सारे दिन, पागल जी बजाए बिन। नहीं 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 नहीं, तिल वाली ढूंढ रहा था राजा बनने के लिए, तिल वाली जिसको मिली वो तो गधा बन गया। दिल वाली मिलाते।